हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरटीपीएस सर्विस प्लस के न्यू अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरटीपीएस सर्विस प्लस में फिर से यहां पे अपडेट कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आरटीपीएस सर्विस प्लस पे आप कैसे अपना जो जाति आय निवास है नॉन क्रिमिनल जो भी है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, किस तरह से यहाँ पे अपडेट दिया गया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आरटीपीएस सर्विस प्लस के होम पेज पे आ जाने के बाद सिंपली आपको इधर देखने को मिलेगा नागरिक अनुभाग। तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे, यहाँ से भी आप अपना जो जाति या निवास है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, और यहाँ से भी आपको अपना जो जाति या निवास है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, आपका जो पेज है कुछ इस तरह से खुल कर आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया है। पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डालते थे, उसके बाद जिसके नाम से आप सर्टिफिकेट जनरेट किए हैं उसका यहाँ पर नाम डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर यहाँ पर पहले नहीं था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चर का जो यहाँ पे ऑप्शन था यहाँ पे बाद में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो इस तरह से आपको आरटीपीएस सर्विस प्लस पे आपको कैप्चर का जो ऑप्शन है नया आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको अपडेट दिया गया है। जैसे मैं फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस कैप्चर को यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे में फ्रेंड्स, आपको इस कैप्चर को आप इसमें भरेंगे तो अब अपना जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, आपको इस कैप्चर को यहाँ पे डालना नहीं है, सिंपली इसको कॉपी इस तरह से करना है। इस तरह से कॉपी करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से कॉपी करके आपको इसमें ला के पेस्ट कर देना है। जैसे इसमें पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपका जो पेज है डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ से अपना जो पेज है यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेज आपका जो है डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आरटीपीएस सर्विस प्लस पे अपना जो जातीय निवास है जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीका हमने इस वीडियो में बताया है। तो इसमें नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कैप्चर वाला, तो सिंपली आपको हटाना ही है, सिंपली इसको कैप्चर को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और इसमें पेस्ट कर देना है, और अपना जो जातीय निवास जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं यहाँ से आसान तरीका से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।